सो दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ डानकुनी बजाज पे, और अभी जस्ट शोरूम पे आई है न्यू बजाज पल्सर N250 E20 फ्लेक्सिबल मॉडल। दोस्तों, हर एक डिटेल्स मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, एंड ऑब्वियसली ऑन रोड कितना पड़ेगी हमारे वेस्ट बंगाल डानकुनी बजाज पे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले। तो चलिए पहले इसको फटाक से अनबॉक्सिंग करके, मतलब अनहीलिंग करके, जिन आपको बारीकी से हर एक डिटेल्स में समझाऊंगा। सो दोस्तों, आखिरकार शोरूम पे आ चुका है न्यू बजाज पल्सर N250 E20 फ्लेक्सिबल मॉडल। चलिए इसको पहले अनव्हीलिंग करते हैं, देन आपको बारीकी से हर एक डिटेल्स में समझाऊंगा। चलिए इसको हटाते हैं, हट जा भाई। E20 का ब्रांडिंग आपको टैंक पे मिल जाएगा, क्योंकि न्यू अपग्रेडेड मॉडल है, और बैटरी कनेक्शन मैंने कर दिया इसमें दोस्तों, ताकि मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट एंड मीटर कंसोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स दे सकूं। चलिए इसको भी पहले हटाते हैं पीछे से, हट जा भाई। इधर एक हुक है, इसको हटाते हैं पहले। चलिए हट गया। पूरा व्यू साइट प्रोफाइल से एक बार चेक कर लो, कुछ ऐसा दिखती है N250 जैसा लुक एज यूजुअल आती थी ब्रुकलिन ब्लैक कलर ऑप्शन पे, वही सेम वाला लुक के साथ अभी भी आती है, खाली इसमें E20 फ्लेक्सिबल इंजन अपग्रेड हो चुका है। तो इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, एग्जॉस्ट नोट कैसा आपको मिलेगा, तो इसको अगर आप नहीं चलाओगे तो कुछ भी आइडिया नहीं होगा इस मॉडल पे। तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा सीटी राइडिंग के थ्रू, हर एक गियर पे आपको लेजी फील नहीं कर पाएगी। तो इनिशियल पिकअप एंड पंच सबसे बेहतरीन है इस मॉडल पे। DTSI डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन के साथ बाइक अभी भी आती है, हर एक गियर पे आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देती है, 3-4 हज़ार RPM के बाद अपना एक्चुअल स्पीड पकड़ लेती है N250। दोस्तों, इतना ज़्यादा रिफाइंड है, मैं आपको क्या ही बोलूँ, बजाज की और किसी मॉडल पे N160 N250 को छोड़ के और किसी मॉडल पे इतना रिफाइंड इंजन आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली P150 भी रिफाइंड है, मैं एक बार भी नहीं बोलूँगा कि P150 रिफाइंड नहीं है, उससे भी बेहतर रिफाइंड हो चुका है N250 न्यू E20 मॉडल। तो इसमें आपको 24.1 PS पावर मिल जाएगा 8,500 RPM एंड 21.5 Nm टॉर्क है 6,500। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं बैठ चुका हूँ बजाज पल्सर N250 2023 E20 फ्लेक्सिबल मॉडल पे, और मेरा पैर ठीक ठाक एडजस्ट हो रहा है इस मॉडल पे। गाइस, एक E20 फ्लेक्सिबल मॉडल है, न्यू 2023 अपग्रेड हो चुका है इस मॉडल पे। बाकी आप मेरा पैर को चेक कर लो, मेरा हाइट है 5'7" और मैं इसमें इजीली एडजस्ट कर पा रहा हूँ सीट हाइट पे। तो अगर आपका हाइट 5'4" के नीचे भी हो, 5'5" और 5'4" के नीचे भी, तो भी आप इसको इजीली हैंडलिंग कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों सीट हाइट पे। बाकी इसका एग्जॉस्ट नोट चेक कर लेते हैं। गाइस, तेल, हाँ स्टार्ट हो गया, तेल है इसमें, ठीक ठाक लाउड साउंड है, एंड मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा ज़्यादा ही रिफाइंड हो चुका है न्यू अपग्रेडेड मॉडल। मीटर कंसोल पे एक बार चेक कर लो, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, डिजिटल टाइम, ट्रिप, इधर आपको ट्रिप मिल जाएगा, ट्रिप वन, ट्रिप बी, लो फ्यूल इंडिकेशन, गियर इंडिकेशन, ABS इंडिकेशन, न्यूट्रल का इंडिकेशन, इधर चेक कर लो इसका हाई बीम, लो बीम, एंड और भी बहुत सारा कुछ डिटेल्स। इन्फिनिटी मीटर कंसोल डिस्प्ले के साथ बाइक आती है, जो और किसी ब्रांड पे इतना सारा कुछ फीचर्स के साथ इन्फिनिटी मीटर कंसोल डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, जो बजाज पल्सर N250 हमें प्रोवाइड करती है। स्विच एक बार चेक कर लो, इससे आप हर एक चीज़ें मैनुअली एडजस्ट कर पाओगे मीटर कंसोल पे। चाबी कुछ ऐसा डिज़ाइन शेप पे है दोस्तों। चलिए मीटर कंसोल को पहले ऑन करते हैं और एक बार इसका डिटेल्स चेक कर लेते हैं। गियर इंडिकेशन है, स्पीडोमीटर, टोटल किलोमीटर, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप वन, ट्रिप बी, DTIFI जैसा न्यू फीचर्स आपको मिल जाएगा ABS इंडिकेशन के साथ, RPM रेव लिमिट, न्यूट्रल का इंडिकेशन, टर्न इंडिकेटर नोटिफिकेशन, इसका एकोमीटर जिसका RPM मीटर है दोस्तों, कुछ एनालॉग स्टाइल पे है, इंजन FI वार्निंग लाइट। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसी प्राइजिंग सेगमेंट पे और किसी मॉडल पे इतना एडवांस लेवल का मीटर कंसोल विथ प्रोजेक्टर लाइट सेटअप नहीं मिलेगा दोस्तों, जो बजाज पल्सर N250 हमें प्रोवाइड करती है। सामने कुछ ड्यूअल टोन कलर कॉम्बिनेशन पे फ्रंट मडगार्ड है, टेलीस्कोपिक फर्क सस्पेंशन सेटअप विथ 300mm डिस्क सामने है, क्रीम का ब्रेक कैलिपर इस्तेमाल होता है इस मॉडल पे विथ रिफ्लेक्टर, ट्यूबलेस टायर है,
सामने आई थिंक 100/80 सेक्शन और पीछे है 130, दोनों ही ट्यूबलेस है। टायर अगर कुछ सॉलिड फ्रेम पे है, देखने में थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड पे लेके जाती है। N250 ड्यूल टोन स्टिकर पे है, इनर साइड रेड आउटर लाइन व्हाइट। पीछे से पूरा व्यू एक बार चेक कर लो, सारी गार्ड आपको मिल जाएगा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर के साथ, वही लेजेंडरी टेल लाइट अभी भी आती है, सेम एज ग्रैब रेल के साथ। ड्यूएल बैटरी एग्जॉस्ट पाइप है जो लाउड साउंड दे देती है। फ्लेक्सिबल फुटरेस्ट पीछे पिलियन का, 24.1 PS पावर है, 8,750 RPM, 21.5 Nm टॉर्क दे देती है, 6,500 RPM। DTS डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन के साथ बाइक आती है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको दे देगी, हर गियर पे आपको लेजी फील नहीं करवाती है दूसरे मॉडल के मुकाबले, तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है N250 में। 3-4,000 RPM के बाद अपना एक्चुअल स्पीड पकड़ लेती है। ग्राफिक्स सेटअप एक बार चेक कर लो, मेरून ग्रे एंड थोड़ा सा सिल्वर, देखने में अच्छा लग रहा है जो भी बोलो। कलस्टर 3D पे लिखा जाता है दोस्तों, कुछ ब्लैकआउट स्टिकर पे। USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का सुविधा है, E20 फ्लेक्सिबल सपोर्ट करती है, दैट्स वाई E20 का स्टिकर आपको मिल जाएगा। स्विच गियर क्वालिटी ठीक ठाक, इधर इसका हेडलाइट इंजन का ऑफ स्विच, नीचे है इसका हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच, उसके नीचे आती है सेल्फ, इधर स्क्रीन इंडिकेटर, इसका हॉर्न, हाई बीम लो बीम एंड ऑल्सो पासिंग स्विच। क्लिप ऑन हैंडल बार तो नहीं है, बट सर्फ हैंडलिंग आपको मिल जाएगा। गाइस डानकुनी बजाज पे बाइक अभी अवेलेबल है, आप बेझिझक के शोरूम से अपना ड्रीम बाइक परचेस कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा इसी शोरूम से। श्रीरामपुर ऑटो बाजार बजाज एंड डानकुनी बजाज सबसे बेस्ट शोरूम दोस्तों वेस्ट बंगाल का, इसलिए मैं बार बार आता हूँ इसी शोरूम पे, पर्टिकुलर इसी मॉडल इसी डीलर के पास। मैं आज से लगभग 3 साल हो चुका है मेरा यूट्यूब करियर पे, मतलब यूट्यूब पे, तो मैं इसी शोरूम से मैंने अपना यही श्रीरामपुर बजाज और डानकुनी बजाज से ही बजाज का यूट्यूब करियर स्टार्ट किया था। मैं अभी भी इसी शोरूम से ही इस डीलर से ही करता हूँ दोस्तों हर एक मॉडल का रिव्यू। गाइस एक बात और एक बार मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा कमेंट ऐसे आ रहा है कि E20 फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट है, क्या हम इसमें पुराने वाले पेट्रोल का इस्तेमाल कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाएंगे? पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जो पेट्रोल अभी मार्केट पे मिल रही है तो उसमें भी दोस्तों 5 से 10% तक इथेनॉल रहता है, तो इसमें 20% मिलेगा नया जो पेट्रोल लॉन्च होगा उसमें, तो फर्क एज यूजल एज सच कुछ नहीं है। तो जब अवेलेबल हो जाएगी उसका भी इस्तेमाल कर पाओगे, जो अभी मिल रहा है उसका भी इस्तेमाल आप करो, बेझिझक करो, क्यों नहीं कर पाओगे? बाकी गाइस N250 ज़्यादातर डीलर के पास अभी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे करके आपके स्टेट पे आ जाएगी। तो अगर आप अपने स्टेट में प्राइसिंग वगैरह जानना चाहते हो, मैं अप्रोक्सीमेट बोल दूंगा आपके लिए, आपके स्टेट का नाम मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं अप्रोक्सीमेट एज यूजुअल बोलता हूँ और बोल भी दूंगा दोस्तों, बट गलत मत सोचना मैं फिक्सड नहीं बोल पाता, क्योंकि ऑनलाइन से मैं चेक करके बोलता हूँ इसका ऑन रोड कीमत कितना होगा आपके स्टेट में, तो गुस्सा नहीं करना भाइयों, मैं अप्रोक्सीमेट बोल दूंगा, आप खाली मेरे कमेंट सेक्शन पे आपके स्टेट का नाम लिख दीजिए, बट मैं ऑन रोड फिक्सड नहीं बोल पाऊंगा, मैं अप्रोक्सीमेट ही बोल दूंगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सच बहुत मोटिवेट करता है मुझे। पहले से और भी ज्यादा रिफाइंड हो चुका है इसका एग्जॉस्ट नोट, आप खुद ही चेक कर लो, ड्यूएल बैरल एग्जॉस्ट के साथ बाइक आती थी अभी भी है। N250 पीछे कुछ ऐसा ड्यूएल टोन स्टिकर पे लिखा जाता है दोस्तों, न्यू बाइक है अभी जस्ट शोरूम पे आई है। सो गाइस हमारे वेस्ट बंगाल डानकुनी पे इसका रेट कितना है, इंजन परफॉर्मेंस कैसा आपको मिलेगा, ओवरऑल माइलेज, पावर स्पेसिफिकेशन, हर एक डिटेल्स मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। तो आप खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंच जाए।